तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की, अब समय आ गया है एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो। क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है, दूसरा इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं, 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, यहां आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है, गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी, इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दें। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं, और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं, सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है, सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है, वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ना भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, ना भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है।